हाल ही में वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने गिलगित बल्तिस्तान के इलाके खपलू हुशे में मौजूद एक बर्फानी चीते की वीडियो शेयर की जो काफ़ी वायरल हुई। ये एक नायाब चीता है। इस वीडियो में बर्फानी चीता बर्फ से ढके पहाड़ पर मौजूद एक बड़ी चट्टान के साये में कुछ देर खड़ा नजर आ रहा है और फिर वहाँ से चला जाता है। पाकिस्तान के कराक्रम के पहाड़ों में वाकई वादी खपलों में इस बर्फानी चीते की गैर मामूली फुटेज बरतानिया के आलमी जंगली हयात की फलाही तंजीम ने जारी की है। वीडियो के साथ प्रेस रिलीज में TWLF के जॉन नाइट का कहना है कि बर्फानी चीता ये बताने के लिए कि वो इस इलाके में है अपनी आवाज़ का इस्तेमाल कर रहा है। नाइट ने इसकी अहमियत को उजागर करते हुए उसे इंतहाई गैर मामूली फुटेज के तौर पर बयान किया। उनका कहना था कि बर्फानी चीते फितरतन मज़हका खेज और तन्हा होते हैं, सिर्फ अपने बच्चों को जोड़ने और उनकी परवरिश के लिए इकट्ठे होते हैं। हैवानात के तहफ्फुज़ के प्रोजेक्ट के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर गुलाम मोहम्मद का कहना है कि ये नादिर वीडियो हाई टेक फील्ड कैमरों के साथ रिकॉर्ड की गई थी, जो इलाके में जंगली बर्फानी चीते की आबादी को ट्रैक करने और उनकी निगरानी के लिए लगाए गए थे। उन्होंने कहा कि उनकी टीम ने मार्च में तेंदुओं को भी देखा, जो कि कुदरती खित्ते की हयातियाती तनों के लिए उम्मीद की नाकाबिल यकीन अलामत है। बर्फानी चीते की नस्ल दुनिया में अब नायाब है। ख्याल किया जाता है कि पाकिस्तान में सिर्फ चंद सौ ही मौजूद हैं। इसके बावजूद बर्फानी चीते की आबादी अब भी ज्यादातर रेंज में कम होती जा रही है। बर्फानी चीता एशिया के अजीम पहाड़ी सिलसिलों का सबसे बड़ा शिकारी है, जिसकी तकसीम बरे आज़म के मिलियन किलोमीटर तक फैली हुई है। ख्याल किया जाता है कि दुनिया भर में 8,000 बर्फानी चीते जंगली इलाकों में रह गए हैं और इनमें से 400 से कम पाकिस्तान में मौजूद हैं। बशमूल गिलगित बल्तिस्तान का इलाका, जहां BWCDO बर्फानी चीते के तहफ्फुज में मदद के लिए मकामी गांव की आबादी के साथ मिलकर काम कर रहा है, क्योंकि उन्हें खाल की तिजारत से लेकर मवेशियों के चरवाहों की तरफ से इंतकामी तौर पर मारने तक के खतरात का सामना है। बुनियादी तौर पर बर्फानी चीते का शिकार जंगली भेड़ बकरियां, मारमोट और मारखोर हैं और बाज़ औक़ात ये पहाड़ों से आबादियों में उतर आते हैं और खुराक के वाहिद मुतबादल जरिए के तौर पर मवेशियों की तरफ जाते हैं। बाज़ औक़ात बर्फानी चीते मवेशियों को नहीं मारते, तब भी उन्हें अक्सर नुकसानात का जिम्मेदार ठहराया जाता है और एहतियाती तदाबीर के तौर पर ही मार दिया जाता है। इस तरह जानवर मकामी अफराद की इंतकामी कार्रवाई का शिकार भी बनते हैं। खालों और रिवायती दवाओं की तिजारत के लिए भी बर्फानी चीते का गैर कानूनी शिकार किया जाता है। इसके अलावा आम खलल और रिहाइश का नुकसान एक बढ़ता हुआ खतरा है, क्योंकि लोग बर्फानी चीते के रिहाइश वाले मकाम में मवेशियों के साथ मुंतकिल हो रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान में बर्फानी चीते की आबादी के बारे में कोई दुरुस्त सर्वे डेटा मौजूद नहीं है। ताहम WCS के तरबियत याफ्ता कम्युनिटी रेंजर्स के जरिए गैर कानूनी शिकार के खिलाफ अमल दरामद के साथ साथ मारखोर की आबादी में नुमाया इजाफा मुस्बत साबित हो रहा है। बर्फानी चीते आमतौर पर सुबह और शाम के वक्त शिकार करते हैं। वो चुपके से शिकार करने वाले शिकारी हैं, जो अपने वजन से 3 गुना तक शिकार को मार सकते हैं। बर्फानी चीते का पसंदीदा शिकार सब्जी खोर जानवर हैं, जैसे नीली भेड़ और गाली भेड़ और मारखोर वगैरह, लेकिन बहुत से इलाकों में मवेशियों का शिकार भी करते हैं, जिसकी वजह से वो चरवाहों की इंतकामी कार्रवाई में मुब्तला हो जाते हैं। बर्फानी चीते अक्सर तन्हा होते हैं, जिनका मिलन जनवरी के आखिरी और मार्च के वस्त के दरमियान होता है। हमल की मुद्दत 93 से 110 दिन है। दुनिया के कुछ मकामात पर इन चीतों का गोश्त, खाल और हड्डियों के लिए शिकार किया जाता है। उनकी हड्डियां शेर की हड्डी का मुतबादिल हैं। चीनी अद्वियात बनाने वाले उन्हें कानूनी या गैर कानूनी तरीकों से हासिल करते हैं। सिंक्यांग और गोर खुद मुख्तार इलाके में हर साल 20 से 30 बर्फानी चीते शिकार किए जाते हैं। सिचुआन शूबे में बर्फानी चीते का गोश्त एक गैर मुल्की डिश के तौर पर भी पेश किया जाता है।
चिड़िया घर और सर्कस में भी लोगों को रागिब करने के लिए बर्फानी चीते इस्तेमाल होते हैं, खास तौर पर बच्चे उन्हें पसंद करते हैं। मुझे याद है स्कर्दू में मकामी मवेशियों पर हमला आवर होने वाले एक चीते को कैद कर लिया गया था और फिर इसे लाहौर के चिड़ियाघर में रखा गया था, जहां इस मादा चीते ने एक बच्चे को भी जन्म दिया था। लेकिन कहां बर्फानी और पहाड़ी जानवर और कहां लाहौर की गर्मी, बिलाखिर इस चीते की नस्ल नहीं बढ़ सकी थी। बहरहाल ये बात खुश आइंद है कि वजीर अजम पाकिस्तान ने वीडियो अपने सोशल मीडिया अकाउंट से जारी की, जिसे बहुत पसंद किया गया और बहुत से लोगों को इस जानवर के पाकिस्तान के शिमाली इलाके में मौजूद होने और इसकी अहमियत का अंदाजा हुआ। इसके साथ गिलगित बल्तिस्तान वो अहम खत्ता है जहां सिर्फ इस बर्फानी चीते की ही नहीं बल्कि दुनिया में नापेद होने वाले भूरे रीछ, मारखोर और इसी तरह दूसरे हैवानात की नस्लें भी मौजूद हैं, जिन पर पूरी दुनिया की तवज्जो दिलाने की जरूरत है। पाकिस्तान की तो खुशकिस्मती है कि ये जानवर पाकिस्तान में मौजूद हैं, लेकिन पूरी दुनिया को इन अहम हैवानात की नस्ल के लिए हिफाजत के लिए मदद करना चाहिए।